वृंदावन के विश्व प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर में व्यवस्था धराशायी हो गई। लगातार बढ़ता जा रहा है भीड़ का दबाव, ऐसे में प्रशासन की व्यवस्था फेल हो गई। बांके बिहारी मंदिर के आसपास की गलियों में भारी भीड़ मौजूद है, जिसके कारण गलियां चौक हो गई। पंडित रमेश पुजारी, पुजारी जी, लाइन कैसी लग रही है? ये प्रशासन की जो व्यवस्था है बांके बिहारी दर्शन के लिए, ये बिल्कुल बेकार व्यवस्था है। ये कि बड़े हादसे को न्योता देना है प्रशासन द्वारा। दर्शन की जो व्यवस्था है होनी चाहिए, वो व्यवस्था बिल्कुल भी नहीं है। ये कब से लग रही है ये लाइन? सुबह 6 बजे से लाइन लगी है, अभी तक दर्शनार्थी भटक रहे हैं। हजारों यात्री बिना दर्शन किए घट लौट गए, दर्शन नहीं कर पाए। अच्छा, बताया जा रहा है कुछ महिला यहाँ पे गिर भी गई थी। महिला पुरुष बच्चे आए दिन ये चौराहे पर चैम्बर एक डालेगा, चैम्बर में गिरते रहते हैं। निगम प्रशासन पुलिस प्रशासन बिल्कुल ध्यान नहीं है। स्कूल के ग्रुप के साथ दर्शन करने आई 3 छात्राएं बेहोश भी हो गई। मौके पर मौजूद चिकित्सकों ने उनका उपचार किया। बैरिकेटिंग पर बना रहता है भक्तर जैसा माहौल, ऐसे में बिहारी जी के बिना दर्शन करे ही कई श्रद्धालु वापस भी लौट रहे हैं। सुंदर लाल साहब मेरा नाम जी। अंकल बताइए, लाइन लग रही है, किस चीज की लाइन है? ये बिहारी जी के दर्शन के लिए है। जरा भीड़ का दबाव ज्यादा बना हुआ था, इसकी वजह से ये लाइन लगी हुई है। अब ये कितने बजे से लाइन लगी हुई है? ये करीब 8:30 से लाइन लगी हुई है। 8:30 से इस वक्त 10-11 बज रहे हैं, लंबी लाइन लगी हुई है। तभी से ये लाइन चालू है और चल रही है। कहाँ से कहाँ तक लगी हुई है लाइन? हाँ जी, कहाँ से कहाँ तक है ये लाइन? ये लाइन बिहारी से लेकर के तुम्हारा जो है सुरतपुरी आश्रम तक है। इस पूरे मामले पर सीएम योगी आदित्यनाथ की सख्ती के बावजूद भी हालात में सुधार नहीं हो रहा है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर हुए हादसे के बाद भी लगातार बढ़ता जा रहा है भीड़ का दबाव। अभिषेक, कहाँ से आए हैं? कोलकाता से आए हैं जी। लाइन लग रही है, किस चीज़ की लग रही है? ये आप सामने बांके बिहारी जी की लग रही है। आप दर्शन करने आए हैं? हाँ भाई। तो ये लंबी लाइन लग रही है अभी तक? हाँ, बहुत लंबी लाइन है ये लंबी लाइन। कितनी देर हो गई आपको यहाँ खड़े खड़े? आधे घंटा हो गया अभी तो, मतलब यहीं पहुँचे चौराहे तक। अभी और भी आगे जाना होगा।